पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने बच्चों के वेंटिलेटर खरीद में घोटाला किया है, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वेंटिलेटर खरीद में घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई से जांच कराने की मांग। आम आदमी पार्टी यूपी के योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। पहले सांसद संजय सिंह ने अयोध्या जमीन खरीद के मामले पर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप लगाए, फिर चिकित्सा उपकरण के खरीद के मामले में संजय सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के पास जमकर प्रदर्शन किया। सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, आज आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के मामले में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए घेरा है। वेंटिलेटर खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप, जिला मुख्यालय के पास आप कार्यकर्ताओं ने कोविड मरीजों के इलाज में वेंटिलेटर खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिया और उनसे ही वेंटिलेटर खरीदा। देखिए, प्रदर्शन जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि जो योगी सरकार ने घोटाला किया है, बच्चों की जिंदगियां से खिलवाड़ किया है, जो तीसरी लहर आई है उसमें वेंटिलेटर को लेके जो घोटाला हुआ है, उसके लिए आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरी है और मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे पास दस्तावेज आए हुए हैं, बाकायदे डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दुगने तिगने दाम में वेंटिलेटर खरीद की रही है और बाकायदे टेंडर के द्वारा न करके ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीदा जा रहा है, जो जिसका दाम अगर 10 लाख रुपए है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार जो 22 लाख और 17 लाख में खरीद रही है। ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि सीबीआई की जांच की मांग ना हो जाए। सीबीआई से जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के जरिए आप महिला कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आप महिला कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को जांच कराने की मांग पर ज्ञापन सौंपा है। ये लोग जो है वो मुख्यमंत्री से इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन जो टेंडर में घोटाला हुआ है, वेंटिलेटर में घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।